हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने माइंड रू के इस इनिशिएटिव को इतना सपोर्ट किया और प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और एज वी ऑलवेज प्रॉमिस कि हम हमेशा ही एक ऐसे टॉपिक के साथ या एक ऐसे प्रॉब्लम के साथ आते रहेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे शायद हम एवरी डे जूझ रहे हैं बट वी डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या है, उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, क्या रीजंस है। तो माइंड रू के एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन सच कंडीशंस। तो आज हम एक ऐसी ही इशू के बारे में बात करने वाले हैं, शायद हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को पता भी नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है या ये कोई इशू भी है, विच इज नार्सिसिस्टिक अब्यूज, जो एक ऐसा अब्यूज है शायद एक अबनॉर्मल इंसान की वजह से एक नॉर्मल इंसान सहन करता है और शायद उसे पता भी नहीं होता है कि वो कोई अब्यूज सह रहा है। सो आज उसी के बारे में जानेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ है माइंड रू की रजिस्टर्ड मेंबर एंड अ साइकोलॉजिस्ट माधवी अद्वारयुषा। माधवी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड रू मच। हाय आम्या, आई एम रियली ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड दिस इज डेफिनेटली एन ऑनर टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। सो इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक ये जो टॉपिक है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, अभी अभी लाइमलाइट में आया, मीडिया पे बहुत देखते हैं हम लोग, वी टॉक अबाउट दिस, पर हम कितना जानते हैं इसके बारे में, राइट? सो सबसे पहले तो मैं सच में माइंड्रो को बहुत बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ये इनिशिएटिव लेने के लिए, कि इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि अभी भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थिंक्स दैट दिस डजंट एग्जिस्ट। उस माहौल में इस टॉपिक पे बात करना, स्पेशली गुजरात में, दिस इज वेरी बिग इनिशिएटिव फॉर अस, आई एम रियली प्राउड। थैंक यू माधवी। एज प्लेटफॉर्म हमारा यही कोशिश होता है कि लोगों को हम हर उस चीज के बारे में बात करें जो उनकी एक्चुअली मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, जो शायद उन्हें पता नहीं होता है। सो उसके बारे में बात करना, उनके बारे में उन्हें अवेयर करना, एज अ प्लेटफॉर्म ये हम अपनी ड्यूटी भी समझते हैं। सो माधवी, पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करें व्हाट इज नार्सिसिज्म एंड व्हाट इज नार्सिसिस्टिक अब्यूज। ओके, सो बहुत ही बेसिक वे में आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस कि हम जनरली इन लोगों से घिरे हुए होते हैं, होते ही हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तब बनता है जब वो पर्सनालिटी एग्जिजरेट होती है ना। हम सबकी एक पर्सनालिटी होती है, हम सब पर्सनालिटी के साथ ही जीते हैं। तो नॉर्मल पर्सनालिटी में हमारे अंदर भी थोड़ा सा ईगो होता है, एटीट्यूड है ना, थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म स्किल्स होती है जो हम डेवलप करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट? ये सबके अंदर होता है बचपन से। अब व्हाट इज नार्सिसिस्टिक, वो कैसे डिफरेंट होता है हमसे, नॉर्मल लोगों से, ठीक है? कहाँ से आया, कैसे आया, आई थिंक इतना रिसर्च अभी भी हमारे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट कंट्री, हुआ नहीं है। ये अभी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कंटिन्यूसली रिसर्च चल रहा है। तो इतना बता सकते हैं कि अ नार्सिसिस्टिक पर्सन इज समवन जिसकी, जो अपने आप में अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, है ना। उसके लिए, उस नार्सिसिस्टिक इंसान के लिए खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना कोई इंसान होता है, ना कोई फीलिंग्स होती है, ना कोई इमोशंस होते हैं। उन्हें कंप्लीटली अपने वैलिडेशन की हमेशा जरूरत होती है, उन्हें एडमायरेशन की हमेशा जरूरत होती है। दे आर लाइक द ग्राइंडर्स, यू नो, पर्सनालिटी जिनको हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन दिखाने का जरूरत होती है। देर आर सम नार्सिसिस्ट जिनको नहीं होता, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पर मैक्सिमम नार्सिसिस्ट आर लाइक दैट, जिनका वर्ल्ड वो खुद ही होता है। ट्रू। एंड व्हाट इज द अब्यूज, नार्सिसिस्टिक अब्यूज? अब अब्यूज तो बहुत ही ज्यादा वाइड वर्ड है जिसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तो समझना पड़ेगा बहुत ही बेसिक वे में कि नार्सिसिस्टिक कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? जैसे मैंने कहा, वो हम उनसे डेफिनेटली गिरे हुए होते हैं। हम काफी टाइम देखते हैं ना कि हम वी फील, हम ये वर्ड यूज करते हैं कि ना, दैट पर्सन यू नो फील्स नेगेटिव टू अस और टॉक्सिक टू अस। ये हम बहुत ही कॉमनली ये टर्म यूज करते हैं, बट व्हाट इज टॉक्सिसिटी, हम किसे टॉक्सिक कह सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले जो इंसान हमें मैनिपुलेट करता हो किसी चीज में, हमें लग रहा हो कि हमारी वाइब्स यू नो सही नहीं मिल रही है इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं हम सेफ फील नहीं कर रहे, हम सेफली बात नहीं कर पा रहे अपनी, या फिर अगर हम कोई बात करने की कोशिश करें तो हमारी बातों को ना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, या फिर उनकी बातों का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा होता है कि हमारी विशेस को दबा दिया जाता है, हमारी रिस्पेक्ट कभी सामने उभर के नहीं आती, जो इंसल्ट्स होते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट्स होती है, विक्टिम ब्लेमिंग होता है, ये सब जो चीजें होती है, दैट इज व्हाट नार्सिसिस्टिक अब्यूज इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, ठीक है? पर अब ये भी जानना जरूरी है कि कितने टाइप के होते हैं।
राइट. अब इंटरनेट तो आपको हजारों बार कंफ्यूज करने वाला है बिकॉज ऑफ दिस. लोगों की गलती नहीं है, लोगों को सच में इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है. हम जो भी सुनते हैं वो शायद मानने लगते हैं. राइट. तो बहुत ही बेसिक चीज है कि नार्सिसिस्टिक जो इंसान होते हैं, मेनली चार टाइप होती है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट. द फर्स्ट वेरी क्लासिक इज अ क्लासिक नार्सिसिस्ट, जिसे हम सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा फेमस है, पीपल टेक्निकली बहुत इजिली डायग्नोज भी कर लेते हैं खुद से, यू नो इसकी पर्सनैलिटी इज नार्सिसिस्टिक. तो पहला आता है क्लासिक नार्सिसिस्ट, जो कि एडमायरेशन का कम्प्लीटली भूखा होता है. उसे अपने उसे कम्प्लीटली तारीफें चाहिए अपने आसपास. वो ऐसे ही इंसान के आसपास रहेगा जो वो सप्लाई उसे फुलफिल कराता रहेगा. जब तक वो सप्लाई और वो की चेन रहेगी ना, तब तक वो रिलेशनशिप रहेगा. जैसे वो सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, दैट रिलेशनशिप विल बी डन. दैट इज अ क्लासिक नार्सिसिस्ट केस, है ना. सेकेंड वन इज वल्नरेबल नार्सिसिस्ट, जिसे हम क्लोजेस्ट नार्सिसिस्ट भी कहते हैं इन अ थेरेपिस्ट लैंग्वेज. व्हाट इज क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट नार्सिसिस्ट, जो कि ज्यादा बाहर उभर के नहीं आते. दिस इज द वन वी सपोज टू बी अवेयर ऑफ. ये जो एक टाइप है जिसके बारे में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि अब इसमें सब टाइप्स भी होती है, बट दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग. पर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं समझा पाऊँ. अब ये जो नार्सिसिस्ट है, ये बाहर उभर के कभी नहीं आती. ये जो पब्लिक में है वो कम्प्लीटली अलग नार्सिसिस्ट है. वो कम्प्लीटली अलग ही उनकी छवि है ना. वो जो बाहर दिखते हैं वो इतने सीधे साधे इंसान दिखते हैं कि दे आर लाइक, हम नहीं, अगर हमें उनसे बहुत महान नहीं कह सकते, पर हम उसे टॉक्सिक भी नहीं कह सकते. राइट. They are very normal people. अगर हम किसी को बोलने जाएंगे that this person is abusing me, तो वो भरोसा नहीं करेंगे हम पे. क्योंकि उनका जो abuse है वो hidden abuse है, वो public abuse नहीं है. This is vulnerable narcissist. पर vulnerable की एक और quality ये होती है कि वो खुद कहीं ना कहीं they play victim games. वो खुद अपने आप को एक victim मानते हैं या साबित करना चाहते हैं लोगों के बीच में, ताकि हमसे उन्हें sympathy मिले, empathy मिले, which is narcissistic food basically. राइट. द थर्ड टाइप इज कम्युनल नार्सिसिस्ट. व्हाट इज कम्युनल नार्सिसिस्ट, ये वापस एक ऐसी चीज है कि पब्लिकली भी, अगर उनका टेम्पर हाई हुआ तो पब्लिकली भी दिख सकता है, या फिर अगर नहीं हुआ तो वो हिडन अब्यूज भी हो सकता है. पर कहीं ना कहीं दिस आर द पीपल जो एडमायरेशन के साथ साथ अपने आप को महान बताना चाहते हैं कि लोग तारीफ करें. छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे लोग तारीफ करें, है ना. हमने आन्या, हमने और तुमने कितनी बार से सुना होगा कि हम सुनते हैं ना बेसिकली किसी इंसान के बारे में ज्यादा, कि ये इंसान ऐसा है कि खुद नहीं खाएगा पर दूसरों को खिलाएगा, ये खुद नहीं सोएगा पर अपना कंबल किसी और को दे देगा, यू नो, इतना महान. दिस इज द फैक्ट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे लोग जनरली नहीं होते, पर ये ऐसी टाइप है जिसमें यू नो कवर हो जाती है और हम जनरली देख नहीं पाते. दैट इट माइट बी अ कम्युनल नार्सिसिस्ट, जो चैरिटी ज्यादा करते हैं, है ना, जो बहुत ही ज्यादा दिखा दिखा के चीज है, क्योंकि उन्हें, और उन्हें दिखाना जरूरी है. वो कभी भी वो कवर टाइप में नहीं करेंगे, जैसे हमने वो दान दिया भूल गए, नहीं, वो कभी नहीं भूलेंगे और वो लोगों को भूलने भी नहीं देंगे. तो दिस आर द कम्युनल नार्सिसिस्ट. द फोर्थ एंड फाइनल एंड द मोस्ट टॉक्सिक टाइप विच वी शुड अंडरस्टैंड, दैट इज मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट. मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट इज समवन जिसका कोई लिमिट नहीं हो सकता, उनकी टॉक्सिसिटी का कोई लिमिट नहीं हो सकता. राइट. वो आपको किसी भी लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपको किसी भी लेवल पे पूरा कम्प्लीटली आपकी एम्पथी निचोड़ के आपको कम्प्लीटली खाली करके, फाइनेंशियली, सेक्सुअली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली खाली करके छोड़ सकते हैं. और उनमें 1% का भी रिमोर्स, 1% का भी वो एक्शन, वो गिल्ट जो हम जनरली सोचते हैं, वो 1% का भी नहीं होता. तो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट का संबंध जिस के ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो हमें पता भी नहीं चलता हमें किस टाइप का यू नो डैमेज पहुंचा के चले जाएंगे. अब बात आती है सब टाइप्स की. बहुत ही नॉर्मल वे में अगर हम कैसे देख सकते हैं कि किसी का बिहेवियर अगर हमें समझना हो, तो सब टाइप समझनी थोड़ी सी एक नॉर्मल लेवल पे जरूरी है. राइट. सबसे पहली सब जो टाइप है वो है कोवर्ट या ओवर्ट नार्सिसिस्ट. ओके. सो जो क्लासिक नार्सिसिस्ट होते हैं और जो कम्युनल नार्सिसिस्ट होते हैं, ये दोनों आर प्रोबेबली ओवर्ट नार्सिसिस्ट. व्हाट इज ओवर्ट नार्सिसिस्ट, जो कि पब्लिकली दिखाई देता है. उनका बिहेवियर जैसा है कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाता है, लोग देख सकते हैं. हाँ, हम उसे नार्सिसिस्टिक नाम नहीं देते हैं, हम उसे नाम देते हैं कि गुस्से वाला है, उसका शॉर्ट टेम्पर है, यू नो, दिल में नहीं होता. एग्जैक्टली, दिल में नहीं होता. यस यस यस. तो दिस इज हाउ दे, वो एटलीस्ट दिख जाते हैं सही.
अब द सेकेंड टाइम इज कोवर्ट नार्सिसिस्ट. इज कोवर्ट नार्सिसिस्ट डेंजरस वन? व्हाई? क्योंकि ये लोगों को नहीं दिखते, विक्टिम को ही दिखते हैं, और विक्टिम ये साबित नहीं कर सकता. ट्रू. राइट, क्योंकि वो हिडन अब्यूज में है, वो दिखाते नहीं है. बाहर कोई अलग इंसान है, अंदर कोई अलग ही इंसान है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते. ट्रू. अनदर टाइप इज सोमेटिक टाइप एंड सेरेब्रल टाइप. ओके, नाउ आई डोंट नो, अब हम में से कई बार तो हमें ऐसे लगता है हमारे कोई दोस्त या हम अगर किसी रिलेशनशिप में रहे हो, पर अगर रिलेशनशिप नहीं हुई हो किसी नार्सिसिस्ट के साथ, तो मैं ये तो नहीं मानती कि हमें कभी जिंदगी में कोई नार्सिसिस्ट दोस्त नहीं मिला होगा. अपनी जिंदगी में हमने नोटिस नहीं किया होगा. तो अगर मैं आपको एक सिंपली क्वेश्चन पूछूं आन्या, कि आप मुझे एक चीज बताओ कि आपको कोई ऐसा दोस्त कभी नहीं मिला कि जो आपको शो ऑफ करता हो कहीं पे? Lot of, I think I've seen people. है ना, आपकी दोस्ती शायद इतनी गहरी ना भी हो, आप जनरली इतना बात ना करते हो, आप इतना कुछ टेक्स्ट या कॉल में यू नो रहते भी ना हो साथ में, फिर भी जब भी आप किसी फंक्शन में मिले हो, या फिर अगर आपको कोई कजिन है या कुछ भी, दिल भी लाइक नहीं हमसे बहुत कनेक्टेड है, वो हमें कम्प्लीटली वो शो ऑफ ट्रॉफी की तरह यूज करेंगे कि वो हमारे साथ कनेक्टेड है. मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा इंपॉर्टेंस है तो उनका इंपॉर्टेंस है, तो हम उनके लिए वो जो अवार्ड ट्रॉफी होती है ना उससे कुछ ज्यादा महत्व नहीं रखते. दिस इज सोमेटिक नार्सिसिज्म, सोमेटिक टाइप ऑफ इट. अनदर इज सेरेब्रल नार्सिसिस्ट. ये बहुत रेयर होते हैं, पर फिर भी इसके बारे में थोड़ा जानना इसलिए जरूरी है. दिस आर द पीपल वो जो मानते हैं कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट या उनसे ज्यादा स्मार्ट इस दुनिया में कोई नहीं है. आई एम नॉट किडिंग, दिस इज एक्चुअली करेक्ट. पीपल बिलीव, जिसे हम ईगो बोल देते हैं कि इसमें तो ईगोइस्टिक है, खुद को इंपॉर्टेंस देता है, बट दैट्स नॉट ईगो, दैट कुड बी सेरेब्रल पर्सनालिटी, है ना. yes. कि जो खुद से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मानते, वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनीवेज मानते कि उनसे ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं, तो वो हारेंगे किससे? बिल्कुल, शायद उनके लिए भी यही चीज होती होगी उनके दिमाग में कि लाइक हारना इज नॉट समथिंग फॉर मी. हम मान लेते हैं कि कॉन्फिडेंट है, इसीलिए शायद अपने आप को ज्यादा समझता है, यू नो हमें वो चाहिए, पर देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, जो हमें समझ आ जाता है जनरली लोगों में, पर हम निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पर्सनैलिटी टाइप्स नहीं पता होते ज्यादातर लोगों के, है ना. द लास्ट टाइप इज कन्वर्टेड और दिस सैडिस्टिक नार्सिसिस्ट. अब ये ऐसी टाइप है कि इन्वर्टेड नार्सिसिस्ट आर द सेम अगेन, कि जो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपसे वो सप्लाई का डिमांड रखते हो. पर द सैडिस्टिक वंस आर द वंस अगेन, वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि जब वो आपको दर्द पहुंचाते हैं उन्हें खुशी मिलती है. दिस इज द टाइप अगेन जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. कई बार हम बोलते हैं, हम सोचते हैं यार वो मुझे इतना दर्द पहुंचा रहा है, मैं इतना रो रही हूँ उसके सामने, उसे क्या दिख नहीं रहा. True. हम सबके घर में होते हैं ना कहीं ना कहीं, लोग देखते हैं हम कि यार मैं उसके सामने 2 घंटे से वो इंसान रो रहा है, उसने खाना नहीं खाया है और वो हंस रहा है सामने बंदा, है फिर चले गया उसे छोड़ के, उसे कैसे फर्क नहीं पड़ा. ये फर्क ना पड़ना, इस कई बार से फर्क ना पड़ना नहीं है, दिस वल्नरेबिलिटी जो हम शो करते हैं ना एक ये सैडिस्टिक नार्सिसिस्टिक जो टाइप होते हैं उनके सामने, दिस इज द फूड फॉर देम. वो उनको कंट्रोल देते हैं, पावर देते हैं और मजा देते हैं, प्लेजर देते हैं, विच इज अ वेरी सिक मेंटालिटी, बट दिस इज हाउ. बिकॉज नॉर्मल इंसान के लिए शायद वो रिलेशनशिप या फिर वो इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा. That's why कोई इंसान you know इतना उनके लिए emotions show करता है, but जब सामने वाला उस चीज को just victory लेता है, तो I think जो इंसान वो abuse सहन कर रहा है, उसके लिए शायद ये next to death experience होता होगा. कोई level ही नहीं हो सकता है कुछ से. एक अलग लेवल पे. अब ये वर्ड जो है बेसिकली इट वॉज फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, माना जाता है कि ग्रीक कोई राजा था नार्सिसस करके, जिसके ऊपर से ये वर्ड आया गया. ओके, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अब दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी, कि हम समझते कि डिसऑर्डर है तो हमें तो एम्पैथी देनी चाहिए, हमें तो उसकी तरफ यू नो सिंपैथी होनी चाहिए, वो तो ट्रीटमेंट उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और वी आर नॉट सपोज टू टॉक, उनको टॉक्सिक नहीं बोल सकते, उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते. राइट. अब ये यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम आज जो बात कर रहे हैं वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बारे में बात कर रहे हैं. राइट. नार्सिसिस्टिक अब्यूज अब धीरे धीरे वर्ल्ड में ये आता जा रहा है कि दैट इज सिमिलर टू फिजिकल अब्यूज. ट्रू. इनफैक्ट इवन समटाइम्स मोर देन फिजिकल अब्यूज.
तो अभी ये समझना जरूरी है कि जब हम किसी कल्प्रिट के बारे में बात करते हैं ना, जब कोई केस चल रहा होता है, हम वहां सिंपथी एम्पथी नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने उस सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा डैमेज कॉज किया है। तो यहाँ जब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ही लोग हैं। भले कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बचपन से या टीन एज से प्रोबेबली डेवलप होने शुरू होती है, और वो उस हद तक जब डेवलप हो जाती है जब उन्हें वो नहीं मिलता, शायद ट्रीटमेंट नहीं मिलती, या क्योंकि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन तो कर ही नहीं सकते। कुछ होते हैं अगर बहुत बचपन से जैसे हमारे अंदर ही आने लगे, कोई हमें बताए कि नहीं तू ज्यादा इगोइस्टिक हो रही है, या फिर तो तेरे कुछ चीज है जो हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स, अगर तभी से कुछ चेंजेस हमारे अंदर लाए तो शायद पॉसिबल है कि हम शायद एनपीडी डेवलप ना करें। ओके, पर हम तो उन्हीं के बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं जो डेवलप कर चुके हैं, ट्रू, क्योंकि अब्यूज तक ही बात पहुंच गई तब तो वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, राइट? तो यहाँ पे हम कोई सिंपथी एम्पथी नहीं दिखा सकते। वाई? क्योंकि एम्पथी ही है जो हमें वैसे ही उनके साथ अटैच करती है। ट्रू, और उनमें एम्पथी है ही नहीं, वो फील उनमें ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, यस, सो इट इज लाइक किसी इंसान के लिए जिसको पता नहीं है उसके लिए तो शायद ये रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होगा मैक्सिमम लोगों के लिए, या बिकॉज जब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला किसी ऐसे डिसऑर्डर से पीड़ित है कि जहां वो आपके इमोशंस ही नहीं समझ सकता है, जिसे आपके इमोशन से फर्क ही नहीं पड़ता है, इनफैक्ट जितना आप उसके आगे रो रहे हो या आपकी आपको तकलीफ हो रही है उतना वो चीज उससे खुशी दे रही है। सो इट इज लाइक किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक्सेप्ट करना ही पहले बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी कि ऐसा भी कुछ होता है। बिकॉज यू आपने शुरू में भी मतलब जैसे बताया कि लोगों के लिए डेफिनेटली ये बिल्कुल ही अनटच्ड चीज है कि जिनको पता ही नहीं है कि पहले तो ऐसा कोई डिसऑर्डर होता है, फिर ये इतने टाइप होते हैं, फिर ये इंसान इस तरह की हरकतें करते हैं जस्ट टू गेट दैट फूड फ्रॉम आर पेन, बेसिकली अटेंशन के लिए, है ना, अफेक्शन के लिए और सप्लाई के लिए। तो जो चीजें बेसिकली उन्हें चाहिए उसके लिए वो हमसे, ये रिलेशनशिप ही ऐसी है, दिस इज सी, ये रिलेशनशिप समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हम जब सामने हैं, अगर वी आर, इफ वी आर द विक्टिम्स बेसिकली, चलो मान ले इसी एग्जाम्पल से कि इफ वी आर द विक्टिम्स, तो सबसे पहले हम तभी विक्टिम बनेंगे क्योंकि हम ये जो रेड सिग्नल्स है उसे डेफिनेटली नजर करेंगे, हम जस्टिफाई करेंगे। मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि व्हाट आर दी दैट रेड फ्लैग्स जो हमको यू नो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए किसी भी इंसान के साथ, दिस इज समथिंग कि हमको वहां टॉक्सिसिटी दिख रही है और हमको थोड़े उस चीज पे ध्यान देना जरूरी है टू सिक्योर आवर मेंटल पीस। बेसिकली बहुत ही सिंपल है। हाँ, वैसे मैंने एक बार सब टाइप्स और वो एक बार कर दी है तो मुझे वापस उसमें नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है हर बार कि हमें पीएचडी नहीं करनी है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, हमें बस बचना है, राइट? अब अकॉर्डिंग टू रिसर्च तो ये चीज है कि प्रोबेबली जस्ट 0.6% और 0.1% इज यूएस पॉपुलेशन, और वर्ल्ड में तो 0.6% या 6% की जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर दैट इज डायग्नोसेबल। अब एनपीडी वैसे ही ट्रिकी सब्जेक्ट है ना, 75% तो वैसे ही डायग्नोस नहीं हो सकते क्योंकि वो तो मानते ही नहीं कि उनमें कोई इश्यू है। And plus they are manipulators and like liars. Pathological liars. Yes. Normal liars नहीं, है ना? Psycho pathological liars. तो इनसे तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते ना, कि हम समझ जाए कि नहीं नॉर्मल है उनकी जिंदगी, उनकी जो लाइन्स है बोली जाती, एक जो एक्ट है बहुत ही अमेजिंग तरीके से, दे आर ग्रेट एक्टर्स, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्टर्स जो तो मतलब किसी अवार्ड के लायक है पर जिनको मिलता नहीं है, है ना, इतनी हद तक का जो परफॉर्मेंस होता है उनका, क्योंकि जो पूरी जिंदगी ही एक स्टेज शो की तरह। ये समझना जरूरी है, जैसे आपने मुझसे पूछा रेड सिग्नल्स, दिस इज द वे जब आप किसी से मिलते हो, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, अगर इफ वी आर मीटिंग अ न्यू पर्सन रोमांटिकली, ठीक है, स्टार्टिंग में इफ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लवी डवी, मैं मानती हूँ हर नॉर्मल रिश्ता भी शायद उसी से शुरू होता है, जब अफेक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन होता है, तो शायद सबसे पहले यही होता है कि लवी डवी महसूस करना, पर थोड़ा सा लवी डवी महसूस करना और लव बॉम्बिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये समझना जरूरी है सबसे पहला जो रेड सिग्नल। अगर हद से ज्यादा का प्यार आपको कोई दिखा रहा है, अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार दिखाना गलत चीज है, पर अब हद से ज्यादा की जब कोई चीज होती है, वो नहीं बोलते ज्यादा शुगर डालने से भी, इतना मीठा भी नहीं खाना चाहिए, है ना, इतना ज्यादा जब जब आपको कोई इतना मीठा परोस रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि इतना, नो डाउट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब somebody show that you know love
and confidence in us. True. But eventually we have to understand that जिस टॉपिक के बारे में वो तारीफों के फूल बांध रहा है हमारे लिए वो क्या लॉजिकल भी है. कई बार इट्स लाइक हमें यकीन नहीं होता कि हमारे बारे में कोई इतनी तारीफ कर सकता है, दैट वी गेट ओवरवेल्म्ड. जब कोई हमें इतने हद से ज्यादा प्यार से रखता है तो वी गेट मोर ओवरवेल्म्ड, और वो जो चीज है वो हमें वो लॉजिक हमारे अंदर का खत्म कर देती है. वी डोंट क्वेश्चन आवरसेल्फ एंड वी स्टार्ट बिलीविंग व्हाटएवर द पर्सन इज सेइंग. True. तो जो फर्स्ट स्टेज होता है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप का जो हमारे साथ बनता है, दैट इज लव बॉम्बिंग. वो इतना ज्यादा प्यार दिखाना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाना, 24 घंटे कॉल करना, केयर करना, थोड़ा सा भी कुछ हमें हो गया तो पूरी दुनिया जैसे सर पे उठा लेना कि जैसे उसके लिए तो सिर्फ हम ही इतने यू नो इम्पोर्टेंट. अब वापस सबसे पहले रेड सिग्नल समझने से पहले भी जो हमारे लिए समझना जरूरी है ना आनिया, वो ये है कि हम कब अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ. है ना, या तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा एम्पथी होती है. अब व्हाट इज एम्पथी? नॉर्मली लोगों को फिक्स करने की जो तमन्ना है हमारे अंदर जागती है ना कि नहीं नहीं वी कैन फिक्स एवरीवन, वी आर द हीलर्स. है ना, जैसे कोई अगर थोड़ा सा भी दर्द शो कर रहा है तो हम हमारे अंदर इतना सारा प्यार भरा हुआ है क्योंकि हमें जनरली हमारे फैमिली से स्पेशली हमारे इंडियन ट्रेडिशन में तो यही मिलता है, जितनी हो सकती है मदद करो, है ना लोगों को. तो दिस इज व्हाट वी ग्रू अप थिंकिंग. तो जब ये एम्पथी आपके अंदर होती है और उनको यही चाहिए कि कोई उनका ख्याल रखे, वो खुद का ख्याल नहीं रखना चाहते ना, वो हमें यूज करना चाहते हैं. तो ये जो एम्पथी है जो जनरली विच इज अ गुड थिंग, तो यहाँ पे ये हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी वीकनेस बन जाती है जब हम हद से ज्यादा एम्पथेटिक बिहेव करें. हमें समझना पड़ेगा कि कौन सच में लायक है हमारी एम्पथी के और कौन लायक नहीं है, है ना. सेकेंड चीज इज को डिपेंडेंसी. अब ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. हम चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, पर जब हम किसी हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं अपनी जिंदगी में, डिसफंक्शनल फैमिलीज हो सकती है ना, पेरेंट्स हो सकते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट या ऐसे, या फिर पहले के जो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स रही हो जिसने शायद हमें वो हार्ट ब्रेक दिया हो, को डिपेंडेंसी तब डेवलप हो जाती है हमारे अंदर, या तो बचपन से ही डेवलप होती है क्योंकि वी आर इनसिक्योर. अगर वो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है कि हम किसी और के बिना इमोशनली सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें कोई इमोशनली तो इमोशनली पर कोई ना कोई चाहिए, चाहे हम सब कुछ कर रहे हैं, वी आर बीइंग दैट फाइनेंशियल पर्सन, यू नो हमें उसमें जरूरत नहीं है, फिजिकली हम स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ वो द नेम से हमें कोई इंसान चाहिए अपने साथ, अकेले हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ये सबसे बड़ा ये एक चीज है. दिस इज द नार्सिसिस्ट, हम अट्रैक्ट, वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं नार्सिसिस्ट को अपने. That is like वो पजल जैसा ना कि नार्सिसिस्ट को डिपेंडेंट के बिना जनरली कुछ नहीं है, को डिपेंडेंट नार्सिसिस्ट की तरह, तो वो कम्प्लीटली फिट बैठ जाते हैं एक दूसरे में. अब ये हेल्दी रिलेशनशिप होता तो क्या ही चाहिए था, पर that is an unhealthy combo. Yeah. Because एक देते नहीं थक रहा है और दूसरा लेते नहीं थक रहा है. One is just give, give, give. One is just receive, receive, receive. तो देने वाला कितना ही देगा. Yes. एक लिमिट तो आएगी ना जब उसके अंदर कुछ बचेगा नहीं देने के लिए, और रिसीवर तो कभी भी देने के लिए बना ही नहीं है, तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा. वो करता ही रहेगा. तो ये जो है उसके बाद एक जो जिसे हम नार्सिसिस्टिक अब्यूज कहते हैं, ये अब्यूज तब शुरू होता है व्हेन द मास्क फॉल्स ऑफ. है ना, तो जो लव बॉम्बिंग का पार्ट है, लव बॉम्बिंग के बाद शुरू होता है कंफ्यूजन. सबसे पहले आपको तो एस्टैब्लिश तो कर लिया कि दे आर द बेस्ट पीपल, मतलब आप तो ऐसे ही मानने लगते हो ना भगवान से कि पता नहीं कितनी पूजा अर्चना की होगी तब ऐसा इंसान मिला है मुझे, है ना, इतना ख्याल रख रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इससे ज्यादा तो क्या ही चाहिए हमें जिंदगी. अब ये जब हम मानने लगते हैं तब हम जनरली अपने ही जो इंट्यूशंस होते हैं उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने एनीवेज मान लिया फॉर व्हाटएवर पर्सन सेड, उससे ज्यादा हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमने मानना बंद कर दिया. उसके बाद शुरू होता है द रियल गेम. धीरे धीरे करके उनका पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर शुरू होता है. Okay. है ना, अब अगर एक ही बार में अगर वो डायरेक्टली आपको अब्यूज करना शुरू कर दे, ये करना शुरू कर दे, तो आप मान जाओगे, आपको समझ आ जाएगा ना कि दिस इज नॉट नॉर्मल. यस, तो इतना इजी तो वो नहीं रखते हमारे लिए. व्हाट दे डू इज कि इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा, अब सबसे पहले तो जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं डेफिनेटली वी लाइक टू टेल देम एवरीथिंग अबाउट अस, सब कुछ बता देना, क्योंकि रिलेशनशिप की तो जड़ होती है ऑनेस्ट रहना, है ना. Yeah. हमें अपनी जिंदगी के बारे में सब बताना चाहिए. ये समझना जरूरी है कि जब हम हमारी जिंदगी के बारे में सब बता रहे हैं, जितनी डेप्थ में बता रहे हैं, क्या वो इंसान भी उतनी डेप्थ में जा रहा है खुद की जिंदगी के बारे में? Yes. The answer will be no. वो सुन रहा है वो चीजों का. So the second signal is, वो इंसान आपकी सारी चीजें, आपकी वीकनेसेस, आपके
सीक्रेट पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके डार्क साइड ऑफ यू नो चीजें अपनी जिंदगी के बारे में, वो सुन सब कुछ रहा है, पर वो अपनी ऐसी चीजें आपको नहीं बता रहा है. So, जब हम समझते हैं कि हम तो एक रिश्ता एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस इंसान के साथ, है ना, सब कुछ, क्योंकि दैट इज ऑनेस्टी इज द पावर, दे आर गोइंग टू लिटरली गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ अगेंस्ट यू इन फ्यूचर फॉर दिस पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर. तो जब आप रिश्ते में देखने लगो किसी के भी साथ, ये फ्रेंडशिप्स भी हो सकती है, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, उसमें भी अगर आप देखने लगो कि वो इंसान आपकी ही बातों को आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है किसी आर्ग्यूमेंट में, जब उसे लग रहा है कि वो हार, दैट इज अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि जब हम किसी के एग्जैक्टली किसी के ऊपर भरोसा करते, ये नहीं हो सकता कि बार बार आप वही चीजें याद कराओ अपनी जिंदगी के बारे में, यू आर दैट यू नो, तो वो कम्प्लीटली वो ब्लेम करना शुरू हो जाता है. पर जब हम थोड़ा सा भी समझना शुरू करते हैं तो उनका बिहेवियर बदल जाता है, वापस से वो लव बॉम्बिंग वाला स्टेज आ जाता है. तो थोड़े टाइम के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं नहीं शायद यू नो बेचारा गुस्से में बोल गए हो, दिल में नहीं है बेचारे का, चाइल्डहुड थोड़ा सा टफ रहा है उसे, फैमिली में कोई समझता नहीं है, यू नो फैमिली वाले बेचारे को समझते नहीं है, तो बेचारा फ्रस्ट्रेशन भी कहाँ निकालेगा अगर हमारे ऊपर नहीं निकालेगा. तो ये समझना जरूरी है ना, हम कोई डस्टबिन थोड़ी ना है, वो हमारे ऊपर फ्रस्ट्रेशन क्यों निकालेगा, हम थोड़ी निकाल रहे हैं उसको. पर जब हम कोडिपेंडेंट होते हैं या फिर एम्पैथेटिक, ज्यादा ही ओवर एम्पैथेटिक होते हैं, हमारे लिए समझना मुश्किल होता है उस टाइम पे. अब ये अब्यूज बहुत ही ज्यादा लेवल पे तब जाता है जब ये रिश्ते थोड़ा ज्यादा खिंच जाता है, इफ यू आर फिजिकली इन्वॉल्व्ड, इफ यू आर फाइनेंशियली इन्वॉल्व्ड, है ना. हमारे लिए डिफिकल्टी है समझना या एक्सेप्ट करना कि नहीं दिस इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप. समझ भी आ जाता है कि शायद प्रोबेबली दिस इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, हम छोड़ नहीं सकते. जब नार्सिसिस्ट को ये पता चल जाता है कि हम छोड़ नहीं सकते, दे आर इन कंप्लीट पावर, कंप्लीट कंट्रोल ओवर अस, उसके बाद उन्हें पता है कि वो हमें जैसे चाहे कठपुतली की तरह नचा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. सो कंप्लीट पावर पर दिया किसने, हमने ही ना. ट्रू, दिस इज द राइट सिग्नल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. कि अगर कोई आपको कंप्लीटली, अगर आपका कोई हेल्दी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता किसी इंसान के साथ, क्योंकि होना चाहिए इवन बिटवीन कपल्स, दोनों इंसान की डिफरेंट आइडियोलॉजीज या पॉइंट ऑफ व्यूज होने चाहिए, दैट्स हेल्दी. पर जो नहीं हो सकता, अमेजिंग चीज एक चीज है कि आप कभी भी एक नार्सिसिस्ट के साथ बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन नहीं कर सकते, शायद वापस इसमें उतनी रेंज ही नहीं है उनकी उस वहां तक सोचने की, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम. ओके, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कैसे अलग होते हैं एंटिटी से, राइट. इनकी पर्सनालिटी इज समथिंग जो कि उन्होंने सबसे बेटर बनाने के लिए मिक्स करी है, यहाँ से थोड़ा ऐसा मिक्स किया है जो ज्यादा सुपीरियर है, यहाँ से कुछ और मिक्स किया है जो ज्यादा सुपीरियर है. इन शॉर्ट वो हर तरीके से ज्यादा सुपीरियर दिखना चाहते हैं, राइट. अब जब वो आपके साथ आते हैं इम्प्रेस करने के लिए, दे आर ऑब्वियसली, हम जब कोडिपेंडेंट होते हैं अगर, तो हमारे लिए सबसे पहली चीज है कि दैट पर्सन इज लार्जर देन लाइफ फॉर अस. ओ माय गॉड, मतलब ये तो बंदा ही अलग है या बंदी अलग है, यू नो. ऐसा तो देखा नहीं कभी, इतना जल्दी इम्प्रेस हम होते क्यों है. जो इंसान हमें डिफरेंट लगता है, यूनिक लगता है, जिनकी पर्सनैलिटी हमें यूनिक लगती है, उसके बाद जब वो हमारे साथ मिलना जब शुरू होता है, तब सबसे पहली चीज होती है कि वो हमारी पर्सनैलिटी को कॉपी करते हैं. ओह माय गॉड, कितनी बार यू हैव नोटिस कि आपको बहुत ही फैमिलियर लगेगा कोई बंदा आपकी जिंदगी से, यार यार यू नो समहाउ मेरी फैमिली, मैं जैसे बचपन में सोचती थी ये तो वैसे ही कर रहा है. कई बार तो बहुत ही कॉमन चीज होती है, फेवरेट कलर, फेवरेट मूवी, फेवरेट स्पोर्ट, इतना कॉमन, फिर भी हम समझ नहीं पाते कि इतना कॉमन कैसे हो सकता है. इतना तो हम अपने खुद के घर वालों के साथ मैच नहीं होते. एग्जैक्टली, और कई बार वो बहुत ही होते हैं. एग्जैक्टली, और कई बार इट इज नॉट जस्ट इतना कॉमन नहीं होता, पर बहुत नहीं एम्बिशियस, नहीं मैं भी इतना ही एम्बिशियस हूँ जितना तुम एम्बिशियस, नहीं मेरे करियर गोल्स भी एग्जैक्टली वैसे हैं, यू नो, इनफैक्ट तुमसे भी ज्यादा ऊंचे होंगे जब वो एक्सप्लेन करेगा. तो इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कनेक्शन आपको उसके साथ कभी नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल के लिए तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट आइडियोलॉजी चाहिए ना. डिस्कशन कब हो सकती है अगर आप जो बोल रहे हो मैं वही कॉपी कर रहा हूँ, हाँ हाँ वही है, तो डिस्कशन कैसे होगी, जगह ही नहीं बचती फिर तो डिस्कशन. तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दोगी, मैं अपने दूंगी, तब तो एक डिस्कशन होगी ना. ट्रू,
उतना तो दे कैन नॉट डू. तो ये एक चीज है, अगर आप कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप जब किसी इंसान के साथ बांध नहीं पा रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान हो सकता है नार्सिसिस्ट एंड यू आर सपोज्ड टू बी अवेयर ऑफ इट. हम ये नहीं कह रहे कि आप खुद से डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि थेरेपिस्ट के लिए भी इट्स डिफिकल्ट टू डायग्नोस, यू नो, कभी कई बार कोवर्ट नार्सिसिस्ट. तो व्हेन 100% यू बिल्कुल, हमारा भी यही रीजन था ये पूरा एपिसोड करने के लिए भी, कि लोगों को पता तो चले कि एग्जैक्टली ये डिसऑर्डर क्या है, और इस डिसऑर्डर की वजह से एक नॉर्मल, एक हेल्दी इंसान जो जनरली या लिटरली किसी की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी होता है, जिसमें एक्चुअली एम्पैथी है, सिंपैथी है लोगों के लिए, वो सफर करता है, और किसी नॉर्मल इंसान की मेंटल हेल्थ बहुत खराब सिचुएशन में पहुंच जाती है. सो लोगों का ये समझना बहुत जरूरी है पहले तो, कि इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं. आपको शायद समझने में इसे हम उतना जितना ये साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये उन्होंने सालों की पढ़ाई करी हुई है, इसे बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया हुआ है, सो दे नो दिस पैटर्न्स एंड एवरीथिंग. शायद हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम उसे समझ ले या किसी को आइडेंटिफाई कर ले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी ड्यूटी ही नहीं है कि हम जाके किसी को आइडेंटिफाई करें. गो टू द एक्सपर्ट, दे आर द ओनली पीपल गोइंग टू गाइड यू फर्दर कि एग्जैक्टली क्या इशू है, इसको आप डील कैसे कर सकते हैं. बाकी यही. बिल्कुल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पूछना चाहती थी आपसे कि जो मैंने अभी बात करी कि इसका एक नॉर्मल इंसान पे क्या असर होता है, तो ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज का एक नॉर्मल, एक हेल्दी इंसान की मेंटल हेल्थ पे क्या असर हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अब तो ऐसे रिसर्च स्टडीज प्रूव कर चुके हैं कि अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक अब्यूज में बहुत ही टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रहे हो, तो कार्डियो वैस्कुलर जो डिजीजेस है उसका भी प्रमाण आपके बॉडी में बढ़ना पॉसिबल है. स्ट्रेस लेवल अगर इतना ज्यादा है तो डायबिटीज या थायराइड होना भी पॉसिबल है. मेंटल हेल्थ पे तो ऑब्वियसली आप यू विल बी मोर स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है वो मुझे एक्सप्लेन करने की अब लोगों को जरूरत कि स्ट्रेस क्या क्या कॉज कर सकता है आपकी बॉडी में. अब ये जब आप अगर आप किसी कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ ज्यादा लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में हो, तो आप कोशिश कर रहे हो लोगों को ये बताना कि आप किसी मुसीबत में हो, पर पीपल आर नॉट रियली बिलीविंग यू, बिकॉज वो तो कोवर्ट अब्यूज है ना, लोग नहीं समझ सकते. सिर्फ नहीं समझ सकते, वहां तक नहीं होता आन्या, द ट्रिकी पार्ट इज कि उनके कई बार, जिससे हम बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में चमचे बोलते हैं, दे आर द फ्लाइंग मंकीज ऑफ नार्सिसिस्ट. ओके, अब फ्लाइंग मंकीज वर्ड कुछ ऐसे किसी शो से आया हुआ है कि जहाँ पे कोई विच यू नो वाज ट्राइंग ऐसे फ्लाइंग मंकीज भेज के अपने जो इविल इरादे हैं, तो ये सेम ही चीज है, इसमें अलग नहीं है. विच की जगह आप नार्सिसिस्ट को रख दो कि जब वो खुद नहीं पहुंच सकते, और वो खुद अगर वो डैमेज कॉज नहीं कर सकते, या फिर उन्हें सिर्फ अकेले वो नहीं कर सकते, तो वो एक फौज बनाते हैं खुद की, वैसे आसपास लोग होते हैं जिन जो भी कोडिपेंडेंट होते हैं अगेन, क्योंकि वो ऐसी बातें मान कैसे लेंगे, वो ना एक विक्टिम को अपना स्टैंड रखने तक की समझ नहीं रखते, वो ऑलरेडी मान लेते हैं, देन दे मैनिपुलेट यू लाइक दैट, राइट. तो जब ऐसे लोग होते हैं, जैसे वो उनके कजिन हो सकते हैं, उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके कलीग्स हो सकते हैं, जो बार बार सेम चीज दोहराएंगे, जो आपको अगर उसने आप पे कैरेक्टरलेस होने का जैसे इल्जाम लगाया है किसी नार्सिसिस्ट ने, तो दे विल मेक श्योर कि आप मानने लगो एंड यू फील दैट गिल्ट इवेंचुअली कि नहीं, गलती सारी मेरी ही है. और कई बार टर्म कितनी होती है, बिकॉज यू टॉक्ड टू सम अदर मेल गाय, दैट्स इट. तो ये समझना जरूरी है कि जब आपके आसपास के जो लोग हैं, ये हद से ज्यादा, आप तो ट्रैप हो गए ना कंप्लीटली, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, कोई आपकी बात समझ नहीं पा रहा, तो इससे हद से ज्यादा जो स्ट्रेस लेवल है आपके अंदर इंड्यूस हो रहा है, आपका कोर्टिसोल लेवल जो है इतना ज्यादा अग्रीवेट हो रहा है, आप अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहे हो ना, आप छोड़ पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू यू नो लिटरली ब्रेक अप विद अ नार्सिसिस्ट. अगर आपको इतना भी समझ आ गया, चलो आपने छोड़ भी दिया, तो मैक्सिमम नार्सिसिस्ट विल मेक श्योर कि आप उसे भूलो ना, दे वॉन्ट स्टॉप होवरिंग इन योर लाइफ, आते रहेंगे बीच बीच में याद दिलाने के लिए कि मैं हूं, है ना. तो हाउ कैन यू लीव अ पीसफुल लाइफ. ट्रू ट्रू बिल्कुल, क्योंकि जहां जैसे आपने बोला कि वो आते रहते हैं आपकी लाइफ में, सो यू नो दैट्स द रीजन व्हाई कि आपको वो हेल्दी बाउंड्रीज बनानी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा रहे हैं, और आपको कहीं पे भी लग रहा है कि यहाँ पे मुझे टॉक्सिसिटी दिख रही है, शायद ये इंसान मेरी मेंटल पीस के लिए सही नहीं है, नहीं कीप दैट हेल्दी बाउंड्रीज विद देम. हेल्दी बाउंड्रीज के लिए ही पहले हील होना जरूरी है. अगर आप ऑलरेडी कोडिपेंडेंट हो, मतलब कि आपकी ऑलरेडी बचपन से लेके कोई ऐसी यू नो चीजें रही है, कुछ ट्रोमा रहे हैं जो आप नहीं समझे हो,
तभी तो नार्सिसिस्ट आपको इतनी इजीली यूज कर पा रहा है. अब यहां से निकलने के लिए तो कंप्लीटली हील होना जरूरी है. एम्पथ होना गलत नहीं है, है ना, किसी को हेल्प करना, किसी के लिए अच्छा सोचना गलत नहीं है, लेकिन एक हील्ड एम्पथ होना जरूरी है, जस्ट एक एडुकेटेड एम्पथ होना काफी नहीं. बिल्कुल. आपको समझ आना चाहिए ये चीज कि आपकी मेंटल हेल्थ, अगर हमें लेवल क्यों डिसाइड करना है आगे, अगर आपकी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है, आप समझ रहे हो, तो तभी से आप बाउंड्री सेट क्यों नहीं कर रहे हो. आप ये वेट क्यों कर रहे हो कि हद से ज्यादा काम है, मतलब जेल लूं उसके बाद मैं किसी और को बताऊं. इतना ही नहीं होता, जब लोग देख सकते हैं दैट द पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, कई बार लोग देख ही सकते हैं, हम नहीं देख सकते. और जब वो आके हमें बताने की कोशिश करते हैं तब हम जस्टिफाई करते हैं उनका बिहेवियर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है. जब आप जस्टिफाई हद से ज्यादा करने लगो दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग. ये एक डिसफंक्शनल यू नो रिलेशनशिप है जो कि टूटनी चाहिए. अब एक्सपर्ट के बारे में भी जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये खुशी हो रही है बताने में कि माइंडजो के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ट्रोमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी जानते हैं. कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा एनपीडी अभी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर रिसर्च चल रहे है ना, तो कई साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट भी है जो मैंने देखे अनफॉर्चुनेटली जो ये मानते हैं कि इतना ज्यादा डैमेज नहीं वो कॉज कर सकते जितना हमें लगता है, या फिर उनको ये सिंपथी चाहिए जो मैंने पहले ही बोला. सो आपको किसी ट्रोमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट के पास जाना ज्यादा जरूरी है, नॉट विद एनी नॉर्मल काउंसलर. शायद वो नार्सिसिस्टिक हो, चाहे जितने भी अच्छे काउंसलर हो, शायद एनपीडी के बारे में नहीं जानते या उतना स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है कि वो एनपीडी पढ़ा हुआ है उन्होंने या फिर उनके केसेस लिए हुए हैं. तो ये एक अच्छी चीज है कि माइंड जो के पास ट्रोमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट है कि आप उनके पास जा सकते हो और आप डायग्नोस कर सकते हो. वही हम लोगों से भी अपील हमेशा ही करते हैं कि माइंड के पास हर उस तरह के एक्सपर्ट हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है. यू फाइंड ऑल द डिटेल्स अवेलेबल देयर, आप पूरा उनका प्रोफाइल पढ़ सकते हैं एंड देन यू कैन यू नो आस्क फॉर द हेल्प. दे आर ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल. आप अपने यू नो कंफर्ट लेवल और कंफर्ट जोन में, आप अपने घर पे बैठे किसी और से आपको मतलब वो भी इशू नहीं है कि शायद कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है या मुझे कहीं क्लिनिक पे जाना है. आप अपने घर पे बैठ के अपने एक्सपर्ट्स को चुनिए और उनसे बात कीजिए. और जब अब आपको इस एपिसोड के बाद अगर ऐसा लगता है कि कहीं से भी कोई भी रिलेशनशिप, नॉट ओनली अ हस्बैंड वाइफ या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, बट अगर आपके मदर फादर हो गए, सिबलिंग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, एनीथिंग, आई थिंक हम लोग यू नो ऑफिस कल्चर में भी, हम कलीग्स में भी शायद वो एक सारे ऐसे पर्सन देख रहे हैं जो हमारे लिए शायद बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो. अगर ये चीजें भी अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आप हेल्प सीक कर सकते हैं. जितना जल्दी आप हेल्प सीक करेंगे उतना जल्दी आप हील करना शुरू करेंगे एंड यू कैन लीव अ बेटर लाइफ जो शायद उन कंफ्यूजन से बहुत ज्यादा अच्छी होगी. क्योंकि जितना हमें यू नो अंदाजा भी नहीं होता उससे बहुत ज्यादा डैमेज ये कॉज कर सकते हैं, है ना. अब जैसे नॉर्मली चीजें है जो मैं बहुत ही बेसिक चीजें बताना चाहती हूँ कि जो कि यू नो इनके लिए समझना, हमारे लिए समझना जरूरी है कि अगर कोई इंसान हद से ज्यादा सीक्रेसी रख रहा है, बहुत ही नॉर्मल, अगर आप इतने लेवल पे मैनिपुलेशन शायद आपको नहीं पता कि हो सकती है, पर हद से ज्यादा सीक्रेसी है, खुद का फोन ना छोड़ना, है ना, कभी भी पासवर्ड या वो इतना ज्यादा सीक्रेसी रखना अपने फोन के लिए, अपनी सोशल मीडिया के लिए, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है. कि आपके पास छुपाने के लिए इतनी चीजें हैं अपने पार्टनर से या अपने फैमिली मेंबर से, राइट. ज्यादा ही अगर कोई इंसान आपसे सिंपथी एक्सपेक्ट कर रहा है हर चीजों में, हर चीजों में, हर आउटकम अपनी जिंदगी में, चाहे जो स्टेज आ जाए उसमें, इतना तो यू नो विक्टिम को इंसान नहीं हो सकता. या फिर अगर वो इंसान आपको कम्प्लीटली इतनी हद तक की साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ या आपने कहीं पे भी उस इंसान को ये जताया कि आपने नहीं माना उनका जो कमांड है, तो उनकी साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है. आपके सामने दूसरों की डिमांड्स पूरी करना पर आपको कंप्लीटली निग्लेक्ट करना, ये सब जो बिहेवियर है ये नॉर्मल नहीं है, इसे नॉर्मल मत समझो. मैं एक अभी आई थिंक आई डोंट नो आपने सुना या नहीं, अभी एक बहुत ही यूएस में बहुत ही ज्यादा फेमस अभी हुआ है एक टॉपिक है अभी, एक मर्डर जो एक 22 ईयर ओल्ड इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर का गेबी पेटिटो नाम से है. ये सबसे ये मुझे क्यों अभी यहाँ पे बताना पड़ा, क्योंकि अभी बहुत रिसेंट ही हुआ है और इसे कहा जा रहा है कि जो इसका किलर है, जो अभी की फरार है, उसका फियोंस है ना एड्रियन, वो ही कुड बी अ मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट.
ये समझना जरूरी है कि जब टॉक्सिसिटी हद से ज्यादा बढ़ती है तो डोमेस्टिक वायलेंस तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं और इतने बड़े क्राइम्स तक भी पहुंच सकते हैं, है ना। यूएस पुलिस ऑफिसर्स के पास एक फुटेज है कि जहां पे उनके बीच में कुछ हुआ था, किसी ने पुलिस को बताया, वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, और एक पूरा बॉडी कैम का फुटेज है जिसमें वो लड़की अपने अपने उसके एक्ट के लिए, जिसने उसे ऑलरेडी हाथ उठाया था, इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे, और वो उसे इतनी हद तक जस्टिफाई कर रही थी कि उसकी गलती नहीं है। शी वॉज क्राइंग ऑल अलॉन्ग बट शी वॉज स्टिल जस्टिफाइंग कि नहीं, उसकी गलती नहीं है, उसका ये मीनिंग नहीं था, एंड ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स, और ये मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का बहुत ही बड़ा भयानक एग्जाम्पल है। आई कुछ से ट्रू ट्रू जस्ट 22 एंड शी और लोग बहुत ही नॉर्मल वे में ले लेते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल है, आप घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, विच इज नॉट राइट। अगर आप अपनी इस तरह से, आप शायद अपने घर में दूसरे लोगों की, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ दूसरे की मेंटल हेल्थ के साथ भी खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, सो प्लीज टॉक अबाउट इट। सच में अपील है कि बाउंड्रीज है, वो भी हम सुनते रहते हैं, पर बाउंड्रीज सेट करना भी इतना इजी नहीं होता, उसके लिए भी आपको काउंसलिंग की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल लेवल पे बता सकते हैं कि कैसे आप खुद के, हमने तो ये चलो रिलेशनशिप की बात करी, जैसे आपने कहा अगर व्हाट इफ आर यू नो पेरेंट्स आर नार्सिसिस्ट और इन-लॉज आर नार्सिसिस्ट, है ना, तो हम उन्हें कम्प्लीटली छोड़ नहीं सकते, हम कम्प्लीटली उनसे भाग नहीं सकते, दे आर पार्ट ऑफ आर लाइफ, हमें डील करना पड़ेगा और हमें मैनेज करना पड़ेगा उनके साथ, तो तब हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये डेफिनेटली एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है। बट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन जो ये एपिसोड देख रहा है कि किसी भी नॉर्मल अब्यूज को नॉर्मल करके सहन मत करो। आप किस लेवल पे सहन करोगे आपको उसका आइडिया नहीं है, सो यू डोंट डिजर्व दैट, नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड डिजर्व्स दैट अब्यूज, है ना, किसी भी टाइप का अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, कोई भी अब्यूज आप डिजर्व नहीं करते हो, तो आपको जब लग रहा है दैट यू आर डीलिंग विद एनी ऑफ दिस, प्लीज कम अप एंड टॉक टू अस। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे आपको उन चीजों का हल नहीं मिलने वाला है, और उसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सके जो आप डिजर्व करते हैं। ट्रू, मैं माधुरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि एक राइट एक्सपर्ट के पास जाना ठीक है, वो हमने उनको ऑलरेडी बताया, बट वो करेज लोगों में बहुत कम होती है, कि एक जाके किससे बात करें, किसको पूछना चाहिए, सो व्हेन दे आर इन दैट सिचुएशन, तो उनको ये भी डाउट होता है कि क्या इससे मैं निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। मैं बस वही चाहती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि ये चीजें भी आप पास कर सकते हैं, आप जैसे हेल्प लोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये चीजें इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसमें से निकल नहीं पाओ, आपको इसे डील करना समझ आएगा। मैं चाहती हूँ आप वो लोगों को एक बार एक्सप्लेन करें। बिल्कुल सही कहा आपने आन्या कि जनरली जब नॉर्मल भी अगर चीजें हैं ना हमारी जिंदगी में, तो भी हमारे लिए हमारी वल्नरेबिलिटी शो करना, हमारी वीकनेस शो करना डिफिकल्ट होता है, कई बार तो एक्सेप्ट करना भी डिफिकल्ट होता है कि हमें हेल्प की जरूरत है, पर काउंसलिंग इज बिकमिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, थोड़ा बहुत हमारे लिए बेटर है। हमारे ये जो एक चीज है ये शायद मैं इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको लग रहा है कि आप वापस आके सबके सामने बात नहीं भी कर सकते हो, तो वी हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप अपने कन्वीनियंस पे हमसे बात कर सकते हो, चैट पे बात कर सकते हो, कॉल पे कर सकते हो, वीडियो कॉल पे कर सकते हो, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। नार्सिसिस्टिक अगर अब्यूज में आप हो, तो सबसे पहले तो दूसरों को, तो बाद में पहले खुद को ये यकीन करवाना कि मैं किसी अब्यूज में हूँ, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। वो इंसान अगर आपको छोड़ भी देना तब भी आप समझ नहीं पाते, तभी भी आप खुद को ब्लेम करते हो कि मेरी गलतियों की वजह से वो इंसान मेरी जिंदगी से चले गया, तभी भी आप ये मानना नहीं चाहते कि इवेंचुअली आप वो सप्लाई देना अब आपकी तरफ से शायद बंद हो गया था, एंड ही ऑलरेडी फाउंड अ न्यू सप्लाई, वो सप्लाई के लिए ही जीते हैं, है ना। तो पहले तो इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा आपको अपने आप पे, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से आप नहीं निकल सकते, ऐसा कोई ट्रोमा नहीं है जिसमें से आप नहीं निकल सकते, उस जिसमें से आप हील नहीं हो सकते, राइट। तो राइट एक्सपर्ट के पास जाना, अपने बारे में बात करना, चीजों के बारे में, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। अगर आपको लगता है कि ये है, शायद नहीं भी है, लेट द एक्सपर्ट डिसाइड, उन्हें डायग्नोस करने दो, है ना, उन्हें बताने दो आपको कि ये शायद है या नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप सफर कर रहे हो किसी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, अपने खुद के घर में भी सफर करो, अगर आपका खुद का घर भी इमोशनली आपके लिए सेफ नहीं है,
या फिजिकली आपके लिए सेफ नहीं है, यू आर सपोज टू कम अप एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि सोल्यूशन हर चीज ओके है, पर वो हिम्मत तो, वो जो पहला स्टेप है ना, वो तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, है ना। दूसरी एक चीज मैं लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर आप ये खुद सफर नहीं कर रहे हो पर आपका कोई लव्ड वन इज सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज, प्लीज उनकी बातों का यकीन कीजिए, दे आर द विक्टिम्स, दे आर नॉट क्रेजी। वो झूठ नहीं बोल रहे, उनके पास शायद प्रूफ्स नहीं है ये बताने के लिए कि वो कितना अब्यूज झेल रहे, क्योंकि उनके पास शायद वो बॉडी मार्क्स नहीं है बॉडी पे बोलने के लिए, दैट डज नॉट मीन कि वो अब्यूज के शिकार नहीं है। तो जब आपको लग रहा है कि कोई इंसान खुद से नहीं आ पा रहा है, तो आप उन्हें मदद कर सकते हो, है ना, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, आप उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करके हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बार ला सकते हो, तो उसके बाद की प्रोसेस सबके लिए इजी हो जाएगी। बिकॉज वो पहले तो वो चीज मानना डेफिनेटली, जैसे आपने बोला कि बहुत जरूरी है कि जितना फिजिकल अब्यूज एग्जिस्ट करता है उतना ही इमोशनल अब्यूज भी एग्जिस्ट करता है, शायद उससे ज्यादा, क्योंकि वो ना लोगों को दिख सकता है, ना वो दिखा सकते हैं, ना उसका इंटेंसिटी आप देख सकते हैं कि ओके इतना गहरी चोट लगी है तो शायद ये इतनी जोर से इन पे उस चीज का किसी ने उनको मारा है या उनको उस चीज की चोट लगी है। सो इमोशनल अब्यूज शायद आपको उस चीज से डील करने में सालों लग जाए अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, या फिर उसको जस्ट शायद लाइफ के बहुत अलग अलग पहलू पे भी वो नजर आएगा। मैं आपसे वो भी जानना चाहती थी मतलब कि अगर आप कंटिन्यूसली लंबे समय तक ऐसा कोई अब्यूज सह रहे हैं तो उसका डेफिनेटली आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पे भी असर पड़ता होगा। हर तरीके से आपकी करियर पे, आपकी, है ना, क्योंकि हर चीज, हम अगर कोई भी स्ट्रेस झेलते हैं, नॉर्मल भी अगर कोई स्ट्रेस झेलते हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी रिलेशनशिप्स पे, राइट, हमारी, हमारे किसी भी एंगल पे, जैसा होता है कई बार, और नार्सिसिस्टिक में तो ये ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि जनरली दे लेट अस कट ऑफ विद आवर फैमिली मेंबर्स और लव्ड वंस, जो कि हमें बचा सकते हैं, जो कि हमें समझा सकते हैं, उनके लिए तो ये थ्रेट है ना। ये सारे लोग जो हमें, हमसे प्यार करते हैं, जो हमें समझ डाल सकते हैं हमारे अंदर की ये चीज सही नहीं है, उनसे तो वो डेफिनेटली हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाएंगे एंड स्टफ। सो जब हमको लग रहा है कि कोई इंसान आपको खुद ही के लोगों से कट ऑफ करवा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि, है ना, इवेंचुअली। अब ये समझना जरूरी है वापस कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपकी करियर, आपकी लाइफ, है ना, सब कुछ अगर सफर कर रहा है, तो दिस इज द ओनली थिंग, ये मत सोचो कितना टाइम लगेगा, शुरुआत कर दो, है ना, एक बार शुरुआत कर दो बस, स्टार्ट टेकिंग थेरेपी फ्रॉम अ राइट ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट, एंड उसके बाद जो चेंजेस है अपने खुद में, आप खुद देखने ही लगोगे धीरे धीरे। उसके बाद हमें आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि यू कम एंड सीक थेरेपी फ्रॉम अस। हम अब तक शायद इतने वो नहीं है कि बहुत ही कम नार्सिसिस्टिक पीपल हु सीक थेरेपी, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि वो गलत है, पर एटलीस्ट हम विक्टिम्स को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जहां किसी इंसान को पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोगों को होता है कि उनकी अगर ट्रीटमेंट की जाए दिल भी चेंज, बट ट्रीटमेंट आप उनकी कर सकते हो जिन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत है। यहाँ पे किसी भी मतलब एनपीडी डिसऑर्डर से पीड़ित इंसान की अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि पीपल हु आर ऑलरेडी सफर दिस अब्यूज, उनको पहले हील होना जरूरी है, सो दैट उनको भी समझ आए कि उनके ट्रेंड्स क्या है, ये उनकी पर्सनालिटी है, तो हम, मुझे कितना डिस्टेंस रखना है मेरे इमोशंस और मेरी मेंटल पीस को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। They are entitled. They feel they are entitled to behave the way they want to. They are entitled to receive whatever they want to. See, this is the thing. किसी को भी अगर इतनी हद से ज्यादा एंटाइटलमेंट आप अगर, और आप अगर इफ यू आर अ गिवर और आप देते ही जा रहे हो, तो फिर आपको इवेंचुअली समझना पड़ेगा कि आपकी भी कोई लिमिट आएगी इवेंचुअली, है ना। अब ये बहुत ही बड़ी डिबेट होती है आन्या की, नार्सिसिस्ट भी चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुए होते हैं कई बार, और हुए भी होते हैं। सम नार्सिसिस्ट आर दैट जिनकी फैमिली में डिसफंक्शनल फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, एंड दे बिकम मॉन्स्टर्स, आई विल यूज द वर्ड, आई विल बी ओके विद इट, है ना। पर एम्पथ्स भी चाइल्ड अब्यूज का या फिर ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड का शिकार हुए होते हैं, बट दे चूज टू बी एम्पथ, दे चूज टू बी हीलर्स, तो वो तो वापस एक चॉइस ही है ना। अगेन, इफ यू नेवर वांट टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, इफ यू नेवर वांट टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि आप किसी के साथ इतना गलत कर रहे हो, और अगर आपको वो भी सही लग रहा है ना, तो इवेंचुअली यू आर नॉट सपोज टू शो एनी सिंपथी और एम्पथी टुवर्ड्स दिस पीपल। इफ अगर वो चाहते हैं तो वो खुद भी कर ही सकते थे,
हमने तो अपने दरवाजे बंद नहीं किए, पर हमने बहुत कम लोग देखे जो खुद की गलतियां कैसे करते हैं, करते हैं। अब ये नॉर्मल जब रिलेशनशिप होते हैं ना तो फिर भी इजी होता है। मैंने अपने करियर में देखा है आन्या की देर आर लाइक नार्सिसिस्टिक डाइवोर्सेस जिसमें चाइल्ड कस्टडी होती है और जो नार्सिसिस्टिक यू नो पार्टनर है वो सच को इतना तोड़ मरोड़ के अफेक्ट्स को करता है कि वो कई बार द विक्टिम लूजेस द चाइल्ड कस्टडी कोर्ट्स में, है ना, इतनी हद तक का कि लोग उसको ही मानने लगते हैं कि दिस इज द क्रेजी पर्सन। जब हम किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं बेसिकली तभी भी अगर हमारा जो जो नया पार्टनर है ना उसके लिए अगर द एक्स वॉज द क्रेजी वन, पागल था वो तो या पागल थी वो तो, ऐसा करती थी यू नो, तो ये जब ज्यादा ही अगर किसी इंसान का एक्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी है ना तो दैट इज अ वेरी बिग साइन एज वेल। कोई भी इंसान शायद हो सकता है दैट पर्सन वाज अ विक्टिम एंड मे बी यू आर द न्यू वन, तो मान लेना सारी चीजें कि पॉसिबिलिटीज आर देयर। एग्जैक्टली, सो ये नहीं कह रही हूँ अगेन कि आप डरो हर बार रिलेशनशिप किसी नए इंसान के साथ जब आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं यार दिस इज समथिंग आई शुड वरी अबाउट, मेरे इंट्यूशन मुझे अगर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड आई शुड टॉक टू अ थेरेपिस्ट अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज बिलीव योर गट फीलिंग्स, और अगर जब भी आपको लगे कि कुछ सही नहीं है तो प्लीज बिलीव सही नहीं है, एंड उस वक्त आपको एक्सपर्ट के पास जाना बहुत जरूरी है, आप उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं एंड इट इज वेरी नॉर्मल। जैसे जब आप अपने फिजिकल हेल्थ में कुछ सही नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं यार दो तीन दिन से सही फील नहीं हो रहा है, आई हैव टू गो टू डॉक्टर। सो इट इज सेम वे कि इफ यू आर नॉट फीलिंग समथिंग कि यहाँ किसी के साथ कुछ सही नहीं महसूस हो रहा है, देन इमीडिएटली यू हैव टू गो टू सम एक्सपर्ट की जो आपको गाइड कर सके, वो आपकी अपनी बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। वो उस वक्त आप अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, प्लस अपने साथ आसपास जुड़े जो लोग इमोशनली आपसे अटैच्ड है उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप की हेल्प नहीं कर रहे। सो प्लीज बी यू नो कीप दिस थिंग प्रायोरिटी, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी ही नहीं है। People think like mental health जैसी चीज exist ही नहीं करती है। unfortunately people to पागलपन बस वही एक वो होता है कि जो लोग पागल होते हैं उन्हें mental health की जरूरत है, उन्हें experts की जरूरत है, counseling की जरूरत है। बिल्कुल, counseling ही एक इतना बड़ा taboo word हो चुका है कि therapy counseling तो हम normal लोग नहीं जाते। आप normal हो इसीलिए आप counseling के लिए जा रहे हो, इसीलिए आप therapy के लिए जा रहे हो। सिंपल इज दैट, अगर आपको पता ही नहीं है आपको कुछ, अगर आप पागल ही हो इन शॉर्ट, तो आपको कैसे पता है कि आपको किसी हेल्प की जरूरत है। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू नीड समथिंग, यू नीड समवन टू टॉक, दैट इट इज वेरी नॉर्मल, यू जस्ट नीड टू गो एंड फाइंड अ सूटेबल एक्सपर्ट जिनसे आप की यू नो इश्यूज को हैंडल करने की एबिलिटी है, आप उनके पास जाइए उनसे बात कीजिए, बाकी की चीजें वो खुद ही आपको समझा देंगे। माइंड्रो पे हर वो एक्सपर्ट अवेलेबल है आपके हर उस इश्यू को के लिए, आपको गाइड करने के लिए। सो डू नॉट हाइड योरसेल्फ कि यू नो अभी नहीं, ये वक्त नहीं है या कुछ दिन बाद में, वो अभी सही ही वक्त है। जस्ट कम आउट, टॉक्ड अबाउट इट, इट इज वेरी नॉर्मल टू टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, वो बहुत जरूरी है। अगर यही वापस अगेन, अगर आप किसी थेरेपी में ऑलरेडी हो, ये बताना थोड़ा ज्यादा जरूरी है आन्या कि अगर आप ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट में हो, अगर आपका खुद का थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर आपको ये बोल रहा है कि ये जो आप अब्यूज सहन कर रहे हो वो नॉर्मल है, वो कॉमन है एंड इट्स ओके, यू नो इतना आर्ग्यू मत करो, क्योंकि ये भी ऐसे केसेस में देख चुकी हूँ, इतना आर्ग्यू मत करो तो सब ठीक हो जाएगा, उसकी बातें मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। अगर दैट पर्सन प्रोबेबली ऐसे लग ही रहा है कि शायद वो चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में, पर शायद वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, है ना, तो ये भी अगर आप ऑलरेडी कहीं और से थेरेपी सीख कर रहे हो और अगर आप वहां पे भी सेफ महसूस नहीं कर पा रहे, यू कैन ऑलवेज चेंज योर थेरेपिस्ट, वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ, है ना, हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। आपको अगर थोड़ा सा भी थेरेपी इज समथिंग यू आर सपोज टू फील मोस्ट सेफ, अगर वहां पे आपको ये महसूस नहीं हो रहा है तो डोंट हेजिटेट टू चेंज योर थेरेपिस्ट, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल्स। बिल्कुल, कम टू अस एंड टॉक टू अस। बिल्कुल,
माइंड रू पे हम लोगों ने भी जब शुरू में हम लोग रिसर्च कर रहे थे, यू नो वी टॉक्ड अबाउट लाइक हमारी बहुत सी ऐसी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई जहां हम लोगों ने उनकी एक्सपर्टीज जानना चाहिए, उनके स्पेशलाइजेशन जानना चाहिए और वो उनकी प्रोफाइल पे मेंशन है. सो यू विल फाइंड दोज पीपल जो उनकी स्पेशलाइजेशन पे जो काम कर रहे हैं, जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, सालों से उन चीजों पे काम कर रहे हैं. सो व्हेन इट कम्स टू अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज यू विल फाइंड पीपल हु यू नो डील ट्रॉमा. सो आप उस ट्रॉमा के लिए उस एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं. सो वो यू नो चीजें भी हमने कोशिश करी है कि उस हिसाब से हम आपको डायरेक्टली रूट ही दे दें कि बस आपको इसी यही वाली exactly. यही वाला रोड पकड़ना है, यही जाना है. एग्जैक्टली तो हम हर तरह से ऐसे प्लेटफॉर्म हम हर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए काम करें, उनको वो चीजें वो इम्पोर्टेंस समझाए कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे. क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि लास्ट दो साल से हम जो पेंडेमिक दिखा है, शायद किसी ने भी वर्स्ट डे में भी ये चीजें या ये चीजें नहीं सोची होगी कि यू नो ऐसी सिचुएशन भी हम कभी देखेंगे. और हम लोगों ने देखी, हम सर्वाइव भी किए, बट हमारी मेंटल पीस की तो मतलब इतनी ज्यादा लोगों ने सफर किया है इन दो सालों में. सो बहुत ज्यादा हम लोगों ने यू नो वो केसेस भी बढ़े हैं हर तरह से. लाइक यू नो मैं सिर्फ नार्सिसिस्टिक अब्यूज की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो नॉर्मल स्ट्रेस या दूसरे एंजाइटी डिप्रेशन एवरीथिंग हर चीज में बढ़ोतरी हुई है. सो हमको अब ये राइट टाइम, लाइक इट्स अ हाई टाइम कि हम अपनी मेंटल यू नो हेल्थ को प्रायोरिटी दें. Then and only आप इन सब चीजों से भी डील कर पाएंगे. इवन कोरोना के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी यू नो बहुत सारे डिबेट्स में उन लोगों ने बोला है कि पीपल हु आर पॉजिटिव उन्होंने फाइट भी किया, कोरोना को मात भी दी, एंड दे वर लिविंग अ हेल्दी लाइफ. और बहुत सारे हेल्दी पीपल जो शायद मेंटली डिस्टर्ब थे सर्वाइव नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज वो मेंटली डिस्टर्ब थे. तो हमने फिजिकल इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुन लिया कोविड में, पर हम मेंटल इम्यूनिटी के बारे में कंप्लीटली भूल गए, व्हिच इज बहुत जरूरी है. ये बहुत जरूरी है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच माधवी, आपने इतना टाइम दिया एंड ये इतना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक था, बट स्टिल अभी somehow we managed कि हम लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा पाए कि ये अब्यूज सहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. और आपके कई बार ऐसा होता है कि कई बार अगर आपको लग रहा है कि आपने जो रेड फ्लैग सुने या फिर आपने जो टाइप सुनी है ना, अगर उसमें कोई ऐसे कोई स्टेटमेंट है कि कोई इंसान, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो कि वे मिक्स पर्सनालिटी के तौर पे भी आ सकती है, कई ऐसी चीजें जो शायद हमने मिस कर दी हो, बट दैट डज नॉट मीन कि वो अब्यूज नहीं है, है ना. अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि वो अब्यूज है, बात कर लीजिए एक बार, तो बात कर लीजिए. और हमें तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बहुत सारे एपिसोड भी करें ना तो कम बैठेगा. तो जब भी अगर आपको लगता है यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, यू वांट टू टॉक मोर अबाउट इट, तो हम वापस से हाजिर होंगे. हमें तो अच्छा लगेगा वापस आपको बताना इसके बारे में. पर यस, कम अप एंड टॉक टू अस अबाउट इट. और माइंड जो बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो एक बार आप आइए, कोशिश कीजिए, लोगों को जो समझना है समझने दीजिए रिगार्डिंग काउंसिलिंग. दिस इज एनीवेज अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, है ना. आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. अगर आपको दो सेशन तीन सेशन के बाद ऐसा नहीं लगता दैट यू आर फीलिंग अमेजिंग, तो यू नो स्टॉप थेरेपी. पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको अच्छा ही लगेगा. मैं वही बोलने वाली थी माधवी, बिकॉज ये एक काउंसलिंग एंड थेरेपीज की एक ऐसी जर्नी है. मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये जर्नी है आपसे आपको मिलवाने की, कि यू नो एग्जैक्टली आप क्या हो, आपकी क्या एबिलिटीज है, आपकी क्या यू नो आप कितने अमेजिंग इंसान हो, ये आपको पता चल जाएगा. इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू टेक थेरेपीज. नो मैटर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, गो टू फाइंड योर बेस्ट थेरेपी. यू नो कि आप अपना एक, जैसे हम लोग का फैमिली डॉक्टर हो सकता है, यू नो एक हमारा एक फेवरेट डिजाइनर हो सकता है, एक फेवरेट ब्यूटिशियन हो सकता है, सो एक वैसे फेवरेट थेरेपिस्ट भी हो सकता है जिसके साथ हम एवरी मंथ जाके उनके पास जाके यू नो वी कैन टॉक टू आवर रेगुलर चेकअप्स करवा पाए अबाउट आवर मेंटल इम्यूनिटी. बहुत जरूरी है ये. Yes. Thank you, Madhvi, for your time. It was amazing talking to you. And people, thank you so much for supporting us. हम लोग ऐसे ही आप लोगों की, you know, as a platform, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सारे issues या problems या जो भी questions answers हमको आप हम Instagram पे या YouTube पे हमको मिलते हैं mails के through, हम उनके answers देने की कोशिश करते रहेंगे. So please be there with us and just join the journey towards find your own self. Thank you so much, Madhvi. Bye bye. Thank you, Anya. Bye bye. Bye.